अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की नई वीडियो के साथ आपका प्यारा भाई हसन फारूक बड़ला आज आपके खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे और वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। हमेशा की तरह जो हमारी कल की प्रिडिक्शन थी उसके बारे में जिक्र करेंगे, आज क्या होने जा रहा है वो पता लगाएंगे और फंडामेंटली मार्केट क्या कहती है वो पता लगाएंगे और कल हमने क्या बोला, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ वो पता लगाने की कोशिश करेंगे। माजरत चाहूंगा, वीडियो आज लेट है और जो पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं जुम्मे के दिन जो है वो मेरी वीडियो लेट होती है क्योंकि मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर अपने हाथ से बिरयानी बनाता हूँ, उसको दम लगाता हूँ और फिर आके वीडियो बनाता हूँ। ये मेरी हर फ्राइडे की जो है वो रूटीन है। आप में से कोई भी खाना चाहे बिरयानी अपने भाई के हाथ की तो आ सकता है, मोस्ट वेलकम। बहरहाल कल की प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें, कल हमने आपको बताया था कि मार्केट सेलिंग की तरफ जाएगी स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर को देखते हुए, और अगर मैं आपको दिखा भी दूं तो आप देख सकते हैं 80% पीपल आर इन बाय लुक फॉर सेल ओनली। ये है जादू हमारे स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर का। कल जिसने भी वीडियो देखी, कई मार्केट यहां पे थी, वहां से आप देख सकते हो कम से कम कोई 400-500 पॉइंट्स की मूव मार्केट के हक में गई है स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर पे। और ये कोई मैं मार्केट गुजरने के बाद आके नहीं यहां पे जो है वो मैं भाषण देता, आप लोग मेरी सारी वीडियोस उठा के देख लो, पहले हम बताते हैं उसके बाद मार्केट जो है वो रिएक्ट करती है। इसी तरह कल जब मार्केट मौजूद थी 236 इस एरिया के आसपास, कल भी हमने आपको इसी तरह बताया था कि स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर सेलिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं और आप लोगों ने सेलिंग करनी है। लेवल जो हमने दिए थे 2375 का हमने लेवल दिया था सेलिंग के लिए और 2390 का हमने जो है वो लेवल दिया था सेलिंग के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली जो है वो मार्केट उस एरिया तक नहीं गई। मगर अगर मैं आपको अपनी ट्रेड्स दिखाऊं कल की तो कल ये कितनी कम ट्रेड की, एक मिनट रुकिएगा, ये तो हमारी कल की एक इसमें लॉस वाली ट्रेड मिस है, एक मिनट रुकिए। ओके, तो कल और परसों की ट्रेडिंग मिला के हमने जो है वो $21,000 जो है वो प्रॉफिट जनरेट किया, और इसमें जो एक का डबल वाला MBFX के अकाउंट्स चल रहे हैं उसमें ये सारी ट्रेड्स जो है आप लोग जाके वेरीफाई कर सकते हो कि जो ट्रेड्स इस अकाउंट में लगी हैं सेम टू सेम वही ट्रेड्स कम लॉट साइज के साथ एक का डबल वाले कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट में लगी हैं। और ये हमारा जो है अभी हमारी ट्रेड चल रही है जो कि हमने गोल्ड बाय किया हुआ, कल हमने गोल्ड के सेल सॉरी बाय का एक सिग्नल भी दिया था, वो आप देख सकते हो कि मैंने भी वो सिग्नल लगाया था और मुझे भी उसमें स्टॉप लॉस उठाना पड़ा, यहीं कहीं वो ट्रेड होगी। और उसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली एक चीज मेंशन की थी कि भाई ये ट्रेड जो है अगेंस्ट द ट्रेंड है, और मैं ये चाह रहा था कि नीचे से हम थोड़ी सी लॉट साइज के साथ बाय कर ले, मार्केट ऊपर जाए तो सेल करें। बहरहाल उसमें हमारा लॉस हुआ, जैसे हमें उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ हमने यहां कहीं पे सेल कर दी और तकरीबन 100-150 पिप्स का जो है वो मूव लिया था। बहरहाल अब बात करते हैं आज क्या होने जा रहा है, और फंडामेंटली इस वक्त जो हमारे पास आज जो फंडामेंटली न्यूज आई थी उसमें डॉलर स्ट्रांग हुआ है, गोल्ड को जो है वो सेलिंग की तरफ जाना चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त मार्केट में फ्यूल जो है वो खत्म हो गया है। कल भी जैसे मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी कि मार्केट बिल्कुल अगर सेलिंग ट्रेंड में हो तो ऐसा नहीं होता गिरती जाए, थोड़ा सा उसे ऊपर आना पड़ता है, फ्यूल लेना पड़ता है मजीद सेलिंग में जाने के लिए। तो एक चीज सबसे पहले मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को कि अभी भी हर हाल में सेलिंग ट्रेंड ही चल रहा है, तो मार्केट को सेलिंग में देखें क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर आपको सेलिंग बता रहा है, मगर इसका यह मतलब नहीं होता कि वो अगर सेलिंग बता रहा है तो बस गिरती जाएगी। जैसा मैंने कहा, मार्केट ऊपर आती है फ्यूल लेती है और उसके बाद नीचे दोबारा जाती है। अभी आप देख सकते हो कि मार्केट इस एरिया को टेस्ट करके बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बाय की तरफ पुश हो रही है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं, लेवल्स भी बता रहा हूं, आप अपनी लाइन खुद लगा के चेक कर सकते हैं। 2335 का एरिया मार्केट टेस्ट करके बाइंग की तरफ जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत अच्छा पोटेंशियल है किस एरिया को टेस्ट करने का, ये जो एरिया है, और यही हमारा टेक प्रॉफिट भी है जो हमने बाय का सिग्नल दिया या खुद जो ट्रेड हमने लगाई हुई है।
और दूसरा एरिया हमारे पास ये रहा। मैं पहले एरिया ड्रॉ कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने ट्रेड करना है। ठीक हो गया भाइयों बहनों? अच्छा, एरियाज हमारे ड्रॉ हो चुके हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट है 2339 पे, यहां से मार्केट पोटेंशियल रखती है जाने का 2347 से लेके 2350 तक। इसी वजह से आप देख सकते हो मैंने भी एक बाय की ट्रेड लगाई हुई है, स्टॉप लॉस मेरा 2330 है, मगर मैं अभी उसको जो है ये जो इस करंट कैंडल का लो है, क्योंकि यहां पे मार्केट ने टेस्ट कर लिया, इससे अगर लो तोड़ेगी तो मार्केट यानी कि सेलिंग ट्रेंड में आ जाएगी। सिंपल एक लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं अपना स्टॉप लॉस 100 पिप्स से हटा के जो है 50 पिप्स कर दूंगा। अच्छा, इंतजार करें, अगर बाय करना चाहते हैं, मैंने तो रिस्क लिया हुआ, आप कर सकते हैं, मैंने सिग्नल भी दिया है, यहां से बाय करें। 2350 2347 का जो एरिया है, यहां पे मार्केट को आने दें, इस एरिया को टेस्ट करके एक H1 बन जाए सेल का, अगर तो सेल कर सकते हैं। जो हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा कैंडल का, और आपका टेक प्रॉफिट तकरीबन 250 टू 300 पिप्स होगा, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। मगर मैं ये चाहूंगा कि ये एरिया ब्रेक कर दे मार्केट, क्योंकि कल भी मैंने बताया था जितना ऊपर जाएगी उसी तरीके से फिर गिरेगी भी। तो एक मिनट रुकें, अगर मार्केट जो है वो यहां पे नहीं रुकती मिसाल के तौर पे, और 2350 से ऊपर H1 बंद हो जाता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है 2370 के एरिया को टेस्ट करने जाएगी, और जैसे ही यहां पे मार्केट आए, एक भी H1 सेल का बन जाए इस एरिया पे, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी सेलिंग की, और आप लोगों ने सेलिंग जो है वो देख लेनी है। उसके अलावा हम एक अपनी, जैसा मैंने आपको बताया कि मेन ट्रेंड जो है वो सेलिंग का है, और मैं ये आपको बार बार दोहरा चुका हूं, तो हम इसको इस तरह ले लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे 2335 से नीचे H1 बंद हो जाता है, ये वाला या अगले दो H1, तो हम ऐसा तसव्वुर करेंगे कि मार्केट जो है वो एक बहुत स्ट्रांग ट्रेंड में है, और मजीद रिट्रेसमेंट जो है वो मार्केट जो लेनी थी वो ले चुकी है, और नीचे अब मजीद 100 पिप्स जाने की सलाहियत रखती है। तो अगर H1 बंद हो जाएगा 2335 से नीचे, तो हम सेल करेंगे, टारगेट हमारा होगा 2325 का, और स्टॉप लॉस हमारा तकरीबन 2345 का होगा। उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके इसको बढ़ा सकते हैं, 15 तक मार्केट जाने की उम्मीद रख सकते हैं। तो गाइज, ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और प्लीज वीडियो शेयर करें, रोज अब तो प्रॉफिट बना के दे रहे हैं, रोज वीडियो भी आपके लिए बना रहे हैं टाइम निकाल के। तो दुआओं में याद रखें, जल के पैसे कमाएं, वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।